नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी का ये खास इनिशिएटिव फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स में। इस एफटीआर के माध्यम से आप सीजीपीएससी के संपूर्ण सिलेबस को हमारे साथ रिवाइज करो और हमारा टारगेट है आने वाला सीजीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा, जिसके मद्देनजर यहाँ पर हम लोग कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, अब वक्त पढ़ने का नहीं है, रिवाइज करने का है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीटेड रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब वहाँ पर आप एग्ज़ाम देने बैठते हो तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। इसीलिए आपने जितनी भी चीज़ों को पढ़ा है, अब उन चीज़ों को एक तरफ कीजिए और रिवीजन स्टार्ट कीजिए, टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए। डेढ़ घंटा आप हमारे साथ यहाँ पर, डेढ़ से दो घंटा आप हमारे साथ यहाँ पर रिवाइज कीजिए। सुबह 8 बजे इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, शाम को 5 बजे करंट अफेयर के क्वेश्चंस और रात को 8 बजे सीजीजीएस के क्वेश्चंस। 3 वीडियोज़ आपको डेली रिवीजन के मिल रहे हैं। इसके अलावा 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाया जा रहा है, उसको भी डेली प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा आने वाला प्रारंभिक परीक्षा में। तो टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से जरूर जुड़ जाइएगा। और या तो फिर आप कंपटीशन कम्युनिटी डायरेक्ट सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, वहाँ आप लोग जुड़ जाओगे। एफटीआर का मेगा टेस्ट, लगभग 4500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आप अगर देर कर रहे हो तो आप जल्दी से टेलीग्राम पे जाओ, लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है, वेबसाइट पर विजिट कर लो। वहाँ जाकर आप लोग एफटीआर मेगा टेस्ट, जो कि 2 फरवरी को होने वाला है, राज्य स्तरीय टेस्ट है जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी हिस्सा लेंगे और ये बिल्कुल मुफ्त है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड है, तो आप लोग एफटीआर से जरूर जुड़ जाइएगा। आज के वीडियो में आप लोगों को क्या खास मिलने वाला है ये मैं बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। हर साल अगर आप लोग करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते होगे या एग्जाम में देखते होगे, तो वहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हर साल करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं और खासकर इसरो से रिलेटेड। तो आज के वीडियो में हम लोग साइंस एंड टेक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे, खासकर इसरो पर हमारा बहुत ध्यान रहेगा। इसरो से इस साल एक न एक क्वेश्चन आने वाला है, चाहे चंद्रयान 2 हो गया, चाहे कार्टोसैट हो गया, चाहे रीसेट हो गया, तो इस साल के जितने भी प्रक्षेपित यान हैं वहाँ से क्वेश्चन आपसे बनेगा ही। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस होगा, कल हम लोग डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, कुछ युद्धाभ्यास करेंगे, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो इन सब सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज करेंगे। आज हम लोग साइंस एंड टेक पर फोकस करने वाले हैं। वीडियो को शुरुआत कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ कुछ फीमेल फैकल्टीज़ हैं और उनके वीडियोस पे कुछ अभद्र कमेंट किया जा रहा है, जो कि बहुत निंदनीय है। खासकर हम और आप यहाँ सीखने और सिखाने के लिए एकत्रित हुए हैं, और ऐसे बच्चे, मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो सब के सब सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स हैं। तो यह बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप जिस अहदे पर जाना चाहते हो, जिस पद पर जाना चाहते हो, वहाँ का रास्ता इस तरह से अभद्र कमेंट के साथ में तो नहीं हो सकता। तो आप अपनी सोच को बदलिए, और अगर आप अपनी सोच को नहीं बदल सकते हो तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, यहाँ से जाइए, चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो आप, लेकिन इस तरह के अभद्र कमेंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से आगे से, खासकर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस तरह से गाली गलौज, जो अभद्रता है, ये सब बिल्कुल यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हमसे कुछ है उम्मीद है, हमें उनसे कुछ उम्मीद है, तो इस उम्मीद को बरकरार रखा जाए और इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ इस तरह के कमेंट जो लोग कर रहे हैं वो प्लीज़ चैनल से बाहर चले जाएँ, और अगर आप लोगों को यहाँ पर रहकर पढ़ना है तो इस तरह के कमेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ये शोभनीय भी नहीं है। तो इस तरह की बातों पर ना आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे साइंस एंड टेक के, जैसे मैंने पहले बताया। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया? ठीक है, चंद्रयान 2 से रिलेटेड कल क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे, कमेंट में भी कहा गया था कि सर चंद्रयान 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से प्रश्न बनेगा, तो इसलिए चलिए जवाब दीजिए। हाल ही में इसरो द्वारा चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया? ऑप्शन है 27 अगस्त 2019, 22 जुलाई 2019, 14 सितंबर 2019 या फिर 2 अक्टूबर 2019। तो सबसे पहले इस प्रश्न का हम लोग आंसर देख लेते हैं, उसके बाद चंद्रयान 2 को एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया श्रीहरिकोटा के
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो डेट याद रखिएगा, और चंद्रयान 2 का ये प्रक्षेपण डेट है। अब यहाँ पर आप लोग ना लैंडिंग डेट भी याद रखना, यानी कि चंद्रमा पर इसको कब लैंड करना था। तो ये लैंड करना था 7 सितंबर 2019 को, जो कि किसी कारणवश लैंड नहीं कर पाया था और चंद्रयान 2 का जो हमारा लैंडर था वो क्रैश कर गया था। तो ठीक है, आगे के क्वेश्चन में चंद्रयान 2 से संबंधित और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। और हाँ, कल के क्वेश्चन पे आप लोगों का एक डाउट था प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। उसमें पहले क्या था क्राइटेरिया कि 2000 हेक्टेयर से जिनके पास में कम भूमि है उनको जो है वहां पर 6000 रुपए सालाना 3 किस्तों में दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक करेक्शन कर लीजिएगा, शुरू में 2000 हेक्टेयर का ये क्राइटेरिया था लेकिन बाद में हटा दिया गया था। ये जो सुविधा है सभी किसानों के लिए अवेलेबल करवा दिया गया था, तो ये थोड़ा सा आप लोग वहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो द्वारा चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण किया गया, चंद्रयान 2 को किस भाग में लैंडिंग करना था, यानी कि चंद्रयान 2 को जब चंद्रमा पे लैंड करना था तो वो चंद्रमा का कौन सा भाग होगा, यानी कि कौन सा भाग पे लैंड करना था। ऑप्शन है आपका ये उत्तरी भाग, ऑप्शन बी दक्षिणी भाग, ऑप्शन सी पूर्वी भाग, या फिर ऑप्शन डी पश्चिमी भाग। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, चंद्रमा को जो है यहाँ पर दक्षिणी भाग में लैंड करना था। और आज तक किसी भी देश की तरफ से, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे चाइना हो, किसी भी देश के द्वारा दक्षिणी भाग पर अभी तक किसी भी देश के द्वारा अभी तक चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया गया है। अभी तक जितने भी रॉकेट या फिर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है वो चंद्रमा के इस भाग में ही किया गया है, यानी कि मिडिल भाग में। तो दक्षिणी भाग में इस चंद्रयान 2 को लैंड करना था, और माना जाता है कि ये दक्षिणी भाग जो है चंद्रमा का बहुत उबड़ खाबड़ है, बहुत पहाड़ी वाला क्षेत्र है, तो इस वजह से यहाँ पर लैंड कराना इसरो के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था। ठीक है, तो याद रखिएगा चंद्रयान 2 को चंद्रमा के किस भाग में लैंड करना था। तो आंसर अगर इस तरह से प्रश्न आपसे आता है तो आंसर उसका होगा दक्षिणी भाग। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसरो द्वारा चंद्रयान 2 को श्रीहरिकोटा से किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया। पहले वाले प्रश्न में मैंने एक्सप्लेन जब कर रहा था तो वहाँ पर जितने भी वहाँ पर चंद्रयान 2 में इक्विपमेंट साथ में गए थे उन चीज़ों को ही मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया, रॉकेट का नाम नहीं बताया, क्योंकि रॉकेट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको एक अलग क्वेश्चन में मैंने डाला है। तो ऑप्शन है आपके सामने GSLV Mach 3, PSLV C46, GSLV Mach 2, या फिर PSLV C45। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए GSLV Mach 3। इस रॉकेट से चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया श्रीहरिकोटा स्थित सतीश स्पेस सेंटर से। GSLV का फुल फॉर्म याद रखिएगा, जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, और PSLV का भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ध्रुवीय प्रक्षेपण यान, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ज़्यादा दूरी के सैटेलाइट्स को अगर लॉन्च करना होता है तो GSLV से लॉन्च किया जाता है, और कम दूरी का यानी कि अर्थ इमेजिंग वाला सैटेलाइट अगर लॉन्च करना होता है तो इसरो PSLV का उपयोग करता है, जो कि PSLV से रिलेटेड आगे हम लोग भी क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से चंद्रयान 2 से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से बनते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से कर जाइएगा चंद्रयान 2 से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए चंद्रयान 2 में आपको क्या याद रखना है, ऑर्बिटर के बारे में याद रखना है, लैंडर के बारे में याद रखना है, रोवर के बारे में याद रखना है, कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया ये याद रखना है, डेट याद रखना कि कब लॉन्च किया गया, चंद्रमा की सतह पे कब उसको उतरना था वो याद रखिएगा, चंद्रमा के किस भाग में उतरना था ये याद रखिएगा। तो इस तरह से कुछ 7-8 क्वेश्चन आपको चंद्रयान 2 से बनते हैं, इन चीज़ों को कर चले जाइएगा, आप आसानी से वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इसरो द्वारा भारत के किस राज्य में दूसरा लॉन्च स्टेशन स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, बेंगलोर, या फिर तेलंगाना। देखिए अभी इसरो के पास में मात्र एक ही प्रक्षेपित स्टेशन है, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है। अब एक और इसरो ने प्रक्षेपण स्थल यानी कि स्टेशन बनाए जाने की घोषणा की है, और ये आपका बनाया जाएगा तमिलनाडु में। तो इस प्रश्न का तो सबसे पहला जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, तमिलनाडु में बनाया जाएगा। तमिलनाडु का वो जगह का नाम होगा, जैसे कि आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा है ना, वैसे ये तमिलनाडु में स्थित होगा, तूतीकोड़ा, इसका नाम याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और भारत सरकार ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। तो तूतीकोड़ा में तमिलनाडु के यहाँ पर इसरो का दूसरा प्रक्षेपण स्थल तैयार किया जाएगा, और ये लगभग 2300 एकड़ भूमि में
फैला होगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस प्रक्षेपण स्थल से सिर्फ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को ही लॉन्च किया जाएगा, जिसकी क्षमता 550 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को होगा या फिर 500 किलोमीटर तक के रेंज का होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा तूतीकोड़ा के बारे में, जहां की इसरो की तरफ से दूसरा प्रक्षेपण स्थल स्थापित किया जाएगा और ये स्थित है तमिलनाडु में, ठीक। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए इस साल ना इसरो की तरफ से मुख्य रूप से जो है 4 सैटेलाइट लॉन्च किया गया। पहला आपका मार्च या अप्रैल में रीसेट 2B को लॉन्च किया गया था, उसके बाद चंद्रयान 2 आपका लॉन्च हुआ जुलाई में, उसके बाद नवंबर में कार्टोसैट 3 को लॉन्च किया गया और उसके बाद दिसंबर में रीसेट 2BR1 को लॉन्च किया गया है। तो ये 4 सैटेलाइट इसरो की तरफ से इस साल खासकर 2019 में लॉन्च किया गया है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते जा रहे हैं। तो जो आपका अगला प्रश्न है वो कार्टोसैट 3 से रिलेटेड है। तो हाल ही में इसरो द्वारा कार्टोसैट 3 सैटेलाइट को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? रॉकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो भी सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है ना उसका रॉकेट का नाम बहुत बार पूछा जाता है, तो इसीलिए प्रश्न में यहाँ पर रॉकेट से संबंधित आपसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन है PSLV C-45, PSLV C-47, GSLV Mach-3 या फिर GSLV Mach-2। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि PSLV C-47। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-47 की मदद से जो है 26 नवंबर 2019 को कार्टोसैट 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया और कार्टोसैट 3 के साथ में यहां पर 13 अमेरिकी वाणिज्यिक सैटेलाइट को भी लॉन्च किया गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आपको और क्या ध्यान रखना है, ये जो है PSLV का 49वां प्रक्षेपण था, ठीक है। PSLV के 50वें प्रक्षेपण पर भी हम लोग आएंगे जो कि इसी साल हुआ है और प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में इसरो की तरफ से PSLV के कितने प्रक्षेपण पूरे कर लिए गए, तो आंसर आपका होगा 50, जिसके बारे में हम लोग आगे यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सिर्फ इतना याद रखिएगा कार्टोसैट 3 सैटेलाइट को जो है PSLV C-47 से लॉन्च किया गया है और कार्टोसैट PSLV से लॉन्च किया गया है, यानी कि यह एक सिंपल सा होगा, यह एक अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। खासकर यह सेना के काम आएगा और दूर जो हमारा इलाका है जैसे हिमालय की पहाड़ियां है वहां पर निगरानी रखने में कार्टोसैट 3 जो है वहां पर कारगर साबित होगा, ठीक है। और सबसे पहला कार्टोसैट जो है 2005 में लॉन्च किया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और कार्टोसैट 3 जो है यह कार्टोसैट सीरीज की 9वीं सैटेलाइट है, पहला 2005 में लॉन्च किया गया था। हां चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसरो द्वारा रीसेट 2BR1 उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल की सहायता से लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने PSLV C-48, PSLV C-47, PSLV C-49 या फिर PSLV C-50। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ना वो होगा PSLV C-48, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इसरो के PSLV सीरीज़ का 50वीं उड़ान था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये इसरो के PSLV की 50वीं उड़ान थी और इसको लॉन्च किया गया आपका, वो डेट याद रखिएगा 11 दिसंबर 2019। तो जो पास वाले डेट होते हैं ना, जब एग्ज़ाम आने वाला रहता है और उसके 1-2 महीने पहले अगर कुछ लॉन्च होता है तो वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा 11 दिसंबर 2019 को आपका लॉन्च किया गया रीसेट 2BR1 को, PSLV की 50वीं उड़ान थी और श्रीहरिकोटा यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये टोटल इसरो की 75वीं उड़ान थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, PSLV की 50वीं उड़ान थी और श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से ये 75वीं उड़ान थी इसरो की, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और रीसेट यानी कि आप लोगों को पता है, ये आप लोगों को पता है कि कौन सा सैटेलाइट है, तो यह एक रीसेट यानी कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट, इसका पहला यानी कि इसी साल अप्रैल में जो है रीसेट 2B को लॉन्च किया गया था
अप्रैल 2019 या मार्च 2019 में, जो कि PSLV C46 से लॉन्च किया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इसी साल इस रीसेट 2BR1 यानी कि रीसेट का अगला सीरीज लॉन्च कर दिया गया, कब? दिसंबर में, दिसंबर 2019 में। और कौन से रॉकेट से? PSLV C48 से। और दोनों जो है रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, और खासकर सेना के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। इतनी बात को बस आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गगनयान मिशन के लिए इसरो द्वारा किस देश में एक तकनीक संपर्क इकाई की स्थापना किया गया है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है फ्रांस, या ऑप्शन डी है अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जब भारत अपना स्पेस स्टेशन जो है गगनयान के माध्यम से स्पेस में भेजेगा, जो कि पहले तो 2022 का टारगेट था कि इसको 2022 में प्रक्षेपित किया जाएगा, लेकिन इसरो अब जो है इसको दिसंबर 2021 में ही प्रक्षेपित करने का टारगेट रखा गया है। और इसके लिए भारतीय वायुसेना के 12 में से 4 लोगों को जो है, भारतीय वायुसेना का पहले तो 12 लोगों को चयनित किया गया, वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाया गया, रशिया में अलग से ट्रेनिंग चला, और उसमें से जो 4 लोगों को गगनयान मिशन के तहत में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा उसका चयन भी कर लिया गया है, और ये चयन भी जो है रशिया के मदद से ही किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा रशिया में जो है भारत एक तकनीक संपर्क इकाई की स्थापना करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा रशिया। और गगनयान मिशन से संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को याद करके जाना है और ध्यान में रख के जाना है, यहाँ से प्रश्न आपसे बनेगा। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन है आपके सामने तेलंगाना, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, कौन सा ऐसा राज्य है जिसने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित करने का फैसला लिया है? आंसर होगा आपका तेलंगाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। इस प्रश्न का तो सबसे पहला जवाब याद रखिएगा कि तेलंगाना इस प्रश्न का सही जवाब है, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए जो है वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करने का फैसला लिया है? ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, जापान, रूस या फिर चीन। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, ये देश जो है दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला लिया है, और इस यूनिवर्सिटी का जो नाम होगा वो होगा मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना क्या है, हम जो अभी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसका जो आगे का जो एडवांस वर्जन होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करेगा, यानी कि उसको हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कह सकते हैं। तो इसी के मद्देनज़र भारत सरकार भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे खासा फोकस करना चाहती है। एक बात अगर आप देखोगे तो चीन जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आज जहां पहुंच चुका है, तो आने वाले समय में भारत के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो है अपने आप को दुनिया में स्थापित कर पाए। तो इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नीति आयोग को 7,000 करोड़ रुपये का एक फंड भी रिलीज किया गया है भारत सरकार की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अलग अलग रिसर्च करने के लिए, अलग अलग तरीके से वर्क करने के लिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित ही 2018 में भारत सरकार ने एक 7 सूत्रीय रणनीति भी तैयार किया था, और इस 7 सूत्रीय रणनीति को इंप्लीमेंट करने का काम जो है नीति आयोग को सौंपा गया है। तो नीति आयोग ने एक डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, और इन्होंने कुछ कुछ कंपनियों जैसे इंटेल, गूगल से यहां पर पार्टनरशिप भी किया है देश में, यानी कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए। और ऐसा अनुमान है कि अगर बेहतर काम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भारत में, तो सिर्फ 2035 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो $957 बिलियन तक पहुंचाया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। तो कितना इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस बात को आप लोग समझ सकते हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड
कुछ कुछ क्वेश्चंस करके जाना ही, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न में, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाएंगे। और प्रीलिम्स की बात छोड़ दो, मेंस में भी एसे राइटिंग कर रहे हो, साइंस एंड टेक का पार्ट कर रहे हो, वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोगों के लिए बहुत मस्ट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा त्रिनेत्र नामक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया है? ऑप्शन है आपका भारतीय रेलवे, भारतीय वायुसेना, इसरो या भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, भारतीय रेलवे। ठीक, क्या है ये त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी? ये त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी की मदद से जो ड्राइवर्स होते हैं रेल में, उनको सुविधा होगा आने वाले मार्ग के बारे में पता करना, उनके सामने जो समस्याएं होती हैं उस टेक्नोलॉजी की मदद से उस समस्याओं को दूर किया जाएगा। तो इस पर अभी जो है प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि रिसर्च किया जा रहा है इस त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी पर, जो कि आने वाले समय में अगर भारतीय रेलवे में इस टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाता है तो इसकी मदद से एक्सीडेंट को रोका जा सकता है बहुत हद तक। तो याद रखिएगा आप लोग, त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी जो है किसकी मदद से लॉन्च किया जा रहा है, कौन अभी इसका जो है कौन इसका इस्तेमाल करने जा रहा है, तो आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पर भारतीय रेलवे। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसके बाद इस सेशन का जो हमारा लास्ट का प्रश्न है, इसरो किस वर्ष तक अपना अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा? 2025, 2026, 2030 या फिर 2035? स्पेस स्टेशन का कहने का मतलब है कि अंतरिक्ष में भारत कब अपना एक अलग से स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा। तो इसकी घोषणा हाल ही में जो है इसरो प्रमुख के सीवन की तरफ से किया गया है कि भारत जो है 2030 तक अपना जो है अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित करेगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये किया जाएगा आपका 2030 तक। तो इस तरह से 12 से 13 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर किए, कुछ इसरो से इम्पॉर्टेंट और कुछ टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस। यहाँ से बहुत अधिक तक चांसेस हैं कि आपसे प्रश्न पूछा जाए। तो याद रखिएगा इसरो के द्वारा खासकर इस साल जो 4 प्रक्षेपण किया गया है उसके बारे में याद रखिएगा, रिसेट का 2 सीरीज, इसके अलावा चंद्रयान 2 और इसके अलावा कार्टोसैट 3। कौन कौन से रॉकेट से किया गया है और इसकी कुछ खासियत आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रख कर जाना है, क्योंकि एक प्रश्न तो यहाँ से बनेगा ही। कल हम लोग डिफेंस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज या फिर जो इस साल कुछ मिसाइल प्रक्षेपण किए गए हैं, सफल प्रक्षेपण किए गए, उन सब की बात हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।